मेरा क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे 15 से। 14 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी बेटा। टिल 14 एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? सारे कैलकुलेट हो गए जबकि, चलो दैट्स गुड। अगर सारे हो गए ओके, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज वी आर डूइंग यस्टरडे, दैट इज एक्सरसाइज 6.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, डू इट विद मी बेटा प्लीज, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको समझना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। हमें टेंजेंट लाइन लिखनी है इस कर्व पे, एंड इट इज गिवन दैट विच इज पैरेलल टू द लाइन। मेरे पास जो है टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। क्लियर कट है बेटा? अगर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगी? इक्वल होगी। यहां से स्लोप मैंने कल भी बताया था, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर वाई, तो कितना हो गया मेरे पास 2, और यहां से स्लोप डी वाई बाय डी एक्स। बेसिकली पॉइंट नहीं ना दिया तो इक्वेट क्यों कर रहे हैं, जस्ट पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। हाँ जी, तो दैट इज 2x - 2। अब इक्वेट करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। जब मैंने इक्वेट किया तो 2x - 2 इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x 2 निकला है, यहाँ पुट करें तो मेरे पास y आ जाएगा पॉइंट। तो मेरे पास जो है y कितना आया बेटा, दैट इज 2² 4 - 4 + 7 कैंसल। y की वैल्यू क्या आ गई 7। अब बेटा पॉइंट आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखिए बेटा, y - y1 मेरे पास y - y1 दैट इज 7। स्लोप मेरे पास जो है कितनी थी 2 × x - x1। सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। ओके बेटा, क्लियर? चले आगे बेटा, सेम नेक्स्ट देखिए बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। उसने कहा परपेंडिकुलर टू द लाइन। आगे अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट किया। अब इसी के बी पार्ट में मेरे पास है कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है किस लाइन पे, 5y - 15x = 13। और मेरे पास dy/dx क्या इवेलुएट हुआ था बेटा, दैट इज 2x - 2, यही हुआ था। अब बेटा अगर टेंजेंट जो है इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो यहां से बेटा हम पहले स्लोप कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर वाई, ध्यान से चेक कर लिया करो बेटा, ठीक है जी। तो ये कैलकुलेट किया तो ये 3 आ गई, तो दैट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x - 2 ये टेंजेंट की स्लोप, ये लाइन की स्लोप, इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल, ठीक है जी। तो यहां से बेटा 2x चाहे ओपन कर लो चाहे इसको उधर ले जाओ, और 2x = -1/3 + 2, ये हो गया बेटा 5/3, और x की वैल्यू आ गई 5/6। ओके जी, चेक कर ले। हाँ जी बेटा, क्योंकि ये लाइन और टेंजेंट आपस में क्या परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, -1 के, ठीक है बेटा, क्लियर। अब बेटा वहां से मैंने x कैलकुलेट कर लिया, x पुट कीजिए, आपके पास कर्व दी हुई है, y आ जाएगा सेम पुराना जैसे पिछला क्वेश्चन, x1 y1 आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखिए, y - y1 = slope × x - x1। ये सारी चीजें कब करते हैं, क्यों कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पॉइंट। पॉइंट पता होगा तो हम बेटा टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते, ठीक है बेटा, चले, क्लियर। नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 16। अब कई बार क्या होता है, इतना इजी क्वेश्चन होता है हम उसको लॉन्ग मेथड से करते जाते हैं। लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर 16 पे वो क्या कह रहे हैं। हाँ जी बेटा, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व
मेरे पास कर्व दी हुई है 7x³ + 11 एट द पॉइंट्स वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। अगर मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखूं तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा जी, बेसिकली स्लोप निकालूं और मेरे पास होंगे डिफरेंट पॉइंट्स ही हूं और कहा जाए कि चेक करो किस पे जो है टेंजेंट पैरेलल है, तो मैं स्लोप निकाल के एक्स की वैल्यू पुट करके देखूं, जहां दो स्लोप्स इक्वल आ गई मैं कहूंगी उन दोनों पॉइंट्स पे वो क्या है पैरेलल है। तो सबसे पहले तो बेटा वेरी इजी, कोई लाइन की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, 21x² + y 11 ऑब्वियस स्क्वायर है, चाहे तुम 2 पुट करो चाहे और नहीं आएगा, हाँ जी चाहे आप x की वैल्यू 2 पुट करो या -2 पुट करो स्क्वायर होके सेम ही आंसर आना है ना, तो क्लियर कट है कि वो 2 और -2 पे, बट क्योंकि जैसे मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ x इज इक्वल टू 2 पे 21 × 4 उसके बाद अगेन, मतलब मैं ये आपको बता रही हूँ कि वहां एग्जाम में ये चीजें हमें करने की जरूरत नहीं होगी, एमसीक्यू अगर आते हैं तो हम सीधा ही स्मार्टनेस यूज करनी है, स्केयर है ऐसे ही अगर वर्ड होता 3 - 3 वहां पर भी वो क्या होता पैरेलल होता, 4 - 4 वहां पर भी वो क्या होता पैरेलल ही होता, ठीक है। तो मेरे पास जो है यहाँ पर 21 × मेरे पास हो गए 4 दैट इज 84। ओके बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट, बेटा मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बेटा मेरे पास लेट अस सी कि वो आगे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे शो दैट द टेंजेंट सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 करना था हमने, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 17 में क्या था कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उसने कहा जो स्लोप है ना वो किसके इक्वल है वाई कोऑर्डिनेट के, दैट इज गिवन टू अस। अब यहां से पॉइंट निकालना है, स्लोप यहां से निकाले वो क्या आएगी 3x² यहां से 3x² इक्वल टू y। मैं पॉइंट कैसे निकालूं यहां से, अब ये कर्व है ये पॉइंट है, ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि प्रॉब्लम क्या है यहां पर भी y और x में रिलेशन है, यहां पर भी y और x में रिलेशन है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम एक जगह से y दूसरी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सोना नहीं चंदन, ठीक है हाँ जी। तो मेरे पास हो गए जब मैंने पुट किया तो 3x² इज इक्वल टू x³, और प्लीज मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं x² काट दें, आपने कॉमन लेके करना है क्योंकि वो जीरो वाला पॉइंट भी एक्सेप्टेबल होता है, तो जब मैंने किया मैं इसको उधर ले गई x³ - 3x² और x² कॉमन x - 3 = 0 दिस इंप्लाइज मेरे पास एक्स इज 0 and 3। ओके बेटा क्लियर, बेटा ये मेरे को कंडीशन दी थी कि डेरिवेटिव जो है वो वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है, दैट इज रिटन, तो डेरिवेटिव मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ दैट इज 3x² इसकी जगह पे ये लिखा और वाई एज इट इज। ओके अब बेटा मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ गए, आप कर्व में पुट करो तो क्या आ जाएगा y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, आप x 0 पुट करोगे तो y 0 ही आएगा, x 3 पुट करोगे तो y 27 पॉइंट्स आ गए, तो 0 0 3 27। ओके बेटा चले आगे, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, अब जरा ध्यान से यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 को मार्क कर लीजिए डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस। अभी तक जितने भी आप क्वेश्चन पॉइंट्स निकालते थे ना, आप क्या करते थे वो पॉइंट को कर्व में ही पुट करते थे, हम यही आपको कहते थे ना। अभी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं 18th क्वेश्चन में उसने क्या कहा, व्हाट इज रिटन हियर, फॉर ए कर्व
वाई इक्वल्स टू 4x³ - 2x⁵ है बेटा। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, अंडरलाइन कर लीजिए, टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। उसने टेंजेंट एट ओरिजिन नहीं कहा, दिस इज द डिफरेंस। कैसे? मान लीजिए ये कर्व है मेरे पास, सपोज ऐसे ये कर्व है, ये टेंजेंट है, लेकिन ये टेंजेंट कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन पे। ये पॉइंट ओरिजिन नहीं है, ओके? अगर ये पॉइंट होता तो मेरे पास x1 y1 सीधा ही दिया हुआ है, तो मुझे यहां कोई जो है ये बाकी क्वेश्चन से इसीलिए डिफरेंट, ओके? तो सबसे पहले उसने मुझे कहा कि मैं पॉइंट मान लो x1 y1 ले लेती। अगर पॉइंट x1 y1 लिया तो मैं सबसे पहले स्लोप निकालू। अब स्लोप मेरे पास क्या आएगा यहां पर, देखिए दैट 12x² -, ओके जी। अब मैंने जो है अगर x1 y1 पे स्लोप देखनी है, x1 y1 पे, तो मैं x की जगह पे क्या लिख दूंगी, लिख दिया, ये मेरे पास स्लोप आ गई, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x1 ही है। तो अब सबसे पहले मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगी। अब टेंजेंट की इक्वेशन जब मैं लिखूंगी, ध्यान से देखना बेटा, जब मैंने यहां पर y1 लिखना है तो वो 4x³ - 2x⁵ होगा, ओके जी, y1 जो लिखना। अब देखिए मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रही हूं, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप मेरे पास कितनी थी, 12x² - 10x¹⁴ × x - x₁, यही है कि नहीं? ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये किससे पास कर रही है, ओरिजिन, यानी यहां ये वाई और ये वाला एक्स जीरो दिया। ये बात मैंने कल भी बात समझाई, ठीक है? तो मेरे पास जीरो, वाई वन की जगह ये लिख दो, y1 यही पॉइंट है ना, तो मैं जब बाहर नेगेटिव है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 12x² - 10x¹⁴, और ये नेगेटिव था इसको पॉजिटिव, और यहां क्या बना दिया, 5 बना दिया, ठीक है बेटा, क्लियर सबको? एक चीज कैलकुलेशन बेटा ध्यान से, ये स्लोप थी ऐसे, हमने यहां गलती कर ली है, 10x₁ ये 4 और यहां बचा -x₁। अब दोनों के साथ आएगा ना, हमने एक ही के साथ लिख दिया था, तो अब बेटा इसको सबको कलेक्ट कर लीजिए। जब आपने कलेक्ट किया तो मेरे पास क्या बन गया बेटा, देखिए सी हियर, -4x₁ 3 + मेरे पास 2x₁ 5। अब आगे मेरे पास क्या आया, -12x₁² और +10³ आ जाएगा यहां पर, हाँ जी बिल्कुल जी, और 10x₁ 5। अब सारी टर्म्स को कलेक्ट कर ले, जब मैंने कलेक्ट किया तो देखिए ये इधर सबको एक तरफ ले जाते हैं, ये इधर आया तो +12, ये हो गया 8x₁³, ये इधर आया तो -8x₁ 5 = 0, 8x₁ 3 कॉमन ले लो तो 1 माइनस, यहाँ क्या बचा x₁² = 0। अब बेटा देखिए 1x₁ की वैल्यू 0 आई, जब मैं इसको उधर करूंगी तो x₁ की वैल्यू +-1 2 आएगी ना, क्योंकि x₁² = 1, तो x₁ की वैल्यू +-1 3 वैल्यूज आई। अब x₁ आ गया, आपके पास y₁ दिया हमने यहां लिखा था, है ना, यहां पर x₁ पुट कीजिए, पॉइंट्स आ जाएंगे। उसने हमें क्या कैलकुलेट करने को कहा था इस क्वेश्चन में, फाइंड द जो ऑल द पॉइंट्स एट विच, सारे पॉइंट्स जो हैं बताइए जहां पर टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास करते, समझ आ गई बेटा, क्लियर हो जाएगा बेटा,
चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 करो जी करो. अरे आगे आप केस बनाओगे x10 x11 और x1 -1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप वैल्यू निकालोगे. ये तो जीरो ही रहेगा, y10 y1, यहां पर क्या निकलेगा? अगर वन पुट करेंगे तो टू, और जब -1 पुट करेंगे तो मेरे पास ये -4, और हाँ जी बिल्कुल -2, तो पॉइंट बन गया 0 0 1 2 -1 -2. ओके जी, विच क्वेश्चन बेटा? 9th. हाँ जी बेटा चेक कर लेते हैं उसको, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगी एक बार. ठीक है, आई विल चेक इट इन द क्वेश्चन 9th ना. मैं कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगी एक बार. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट बेटा मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर कौन सा है. अब हमने करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19th. क्वेश्चन नंबर 19th देखिए बेटा, सारे क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पर ही यही डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया, या कोई पैरामेट्रिक फॉर्म होगी तो वो अलग होगा, पर हम डिस्कस सारे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19th. अब इसमें क्या है बेटा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. अब मुझे कर्व कैसी दे दिया है, x² + y² - 2x - 3 = 0, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब मुझे ये बताओ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे क्या होता है? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे स्लोप किसके इक्वल होती है? जीरो के. तो 100% पहले यहां से स्लोप निकाले, तो मेरे पास क्यों ये बाकियों से डिफरेंट है, क्योंकि ये मेरे पास जो है एक्स वाई का रिलेशन जो है वो इम्प्लिसिट रिलेशन है, मतलब मैं सेपरेट कर सकती हूँ, बट अगर मैं वाई निकालू तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, तो बेटर है मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं. तो मेरे पास 2x + 2yy - 2 = 0. यहां से y डैश निकाल लें, 2 2 2 सब में से कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो y y - -x + 1, यहाँ -1 बचा है, 0 नहीं बचा है क्योंकि 2 कॉमन लिया है, तो मेरे पास -1 उधर जाके +1, और y डैश मेरे पास क्या बन जाएगा? अब बेटा उसने क्वेश्चन, हाँ जी कैलकुलेशंस की बेटा मैंने, कुछ भी नहीं, आप 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ x बचा, ये x उधर गया तो -x, यहाँ 1 बचा -1, उधर जाके +1, ये y मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया. अब उसने क्या कहा है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब dy/dx दैट इज इक्वल टू 0, तो दैट मींस -x + 1 / y = 0. अरे y तो उधर जाके 0, तो 0 ही हो जाना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1. अब x 1 आ गया, पुट करो y आ जाएगा, पॉइंट आ गया, आपके पास स्लोप पता है, x भी पता है y भी पता है, y डैश स्लोप भी निकल आई. तो बेटा उसके बाद इक्वेशन लिख दीजिए टेंजेंट की, y - y1 = slope (x - x1). समझ आया कि नहीं बेटा, कैसे करना है, क्या सोच रहे हो? क्लियर टू एवरीवन? चलो अब अगले क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, ठीक है? चलो बेटा नेक्स्ट मेरे पास. हाँ जी चल बेटा स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 20. प्रभनूर आप स्टार्ट करो बेटा, बोलिए क्वेश्चन नंबर 20. कैसे? ओके 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 ओके. हाँ जी क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा बिल्कुल ठीक है, हमें पॉइंट दिया हुआ है am² am³ फॉर ए कर्व ay² = x³, और मुझे अब नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, यानी सबसे पहले जो डेरिवेटिव आएगा 2ay y - 3x², यहां से ये जो y डैश आया मेरे पास बेटा, ये किसकी डेरिवेटिव स्लोप आई? टेंजेंट की.
मुझे किसकी निकालनी है, नॉर्मल की, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका रेसिप्रोकल कर लो और नेगेटिव लगा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे एक्स भी दिया वाई भी दिया, देखिए दिस इज एक्स दिस इज वाई, ओके क्लियर बेटा, समझ आ गई ये बात। तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल मैं कैलकुलेट कर लूंगी, माइनस टू ए, वाई की वैल्यू ए एम क्यूब थ्री और ए स्क्वायर दैट इज ए सॉरी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एम पावर फोर, ये स्क्वायर कट गया, ये m का 4 और ये 3 कट गया, माइनस 2 बाय 3 m, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है, तो कैसे करेंगे, y माइनस y1 कितना दिया है a m क्यूब, ओके जी, इज इक्वल टू स्लोप अभी माइनस 2 बाय 3 m into x minus x1, solve it and get the value of, okay beta, समझ आ गई बात सबको, कोई doubt तो नहीं, चले आगे, सृष्टि clear, चलिए बेटा, हाँ जी online students clear बेटा, दिव्यालीन महक राणा सुखमान, हाँ जी चले, चलिए बेटा, तो next मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 21। अब ये सारे क्वेश्चन सेम है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सिर्फ इसमें जो चेंज है ना, अब मैं क्वेश्चन नंबर 21 नहीं करवाऊंगी, 22 भी नहीं कराऊंगी, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि नॉर्मल के क्वेश्चन शुरू हुए हैं, तो यहाँ पर भी उसने देखो क्वेश्चन 21 22 में नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है, बात तो वही है ना, स्लोप निकालो रेसिप्रोकल करो नेगेटिव लगाओ, नॉर्मल की स्लोप आ गई और इक्वेशन हो जाएगी। Question 21 and 22 is your homework. Now come to 23. बहुत बार एग्जाम में ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है. Prove that the curve xy square and xy is equal to k cut at right angle if 8k square is equal to 1. वो कहता है कि ये दोनों curves, मैं बताऊं बेटा कर्व्स कभी कट नहीं करती हैं, जब कर्व्स कट करती हैं जो एंगल, मेरे कहने का मतलब कर्व्स कट करती हैं तो उनमें एंगल कैसे निकालते हैं, उनमें खुद में एंगल नहीं निकालते, जो एंगल निकालना होता है ना वो हमेशा उनके टेंजेंट्स में एंगल निकाल, कर्व्स अगर आप कहते हो ना ये लो ये कर्व इंटरसेक्ट की, मैंने देखना इन कर्व्स के बीच में एंगल कितना, मैं इसका टेंजेंट बनाऊंगी, मैं इसका टेंजेंट बनाऊंगी, मैं देखूंगी इन टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना, जो इन टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा ना वही दो कर्व्स के बीच में एंगल माना जाता है, ऐसा क्यों करते हैं, अगर हम टेंजेंट ना ड्रॉ करें तो ये जो कर्व्स होती हैं अगर देखा जाए थोड़ी बेंडिंग शेप में होती हैं कि नहीं, तो उनमें एग्जैक्ट एंगल, कोई बच्चा यहां से मेजर करे कर्व के बीच में, मैं स्ट्रेट लाइन के बीच में बात नहीं करी, कोई बच्चा थोड़ा सा हटके मेजर, वो मेजर में डिफरेंस आ जाता है, तो इसीलिए हम हमेशा बच्चों को कहते हैं किस में एंगल देखना है, टेंजेंट्स में एंगल। अब दो टेंजेंट्स मतलब दो लाइंस, वो आपस में परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि हमें दिया है एंगल क्या है दोनों में 90 डिग्री, अगर वो आपस में परपेंडिकुलर में है तो क्या कंडीशन होगी, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन के ऊपर, यानी स्लोप मैं इसका देखूं, स्लोप मैं इसकी देखूं और मैं दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल करूं, बट प्रॉब्लम क्या है, मुझे स्लोप चाहिए, मुझे ये पॉइंट भी तो चाहिए, अब वो पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बेटा मैं इन दोनों लाइंस को क्या कर लू, दोनों कर्व्स को सॉरी क्या कर लू, सॉल्व कर, क्यों किया, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब दोनों में एक्स और वाई को क्या है कॉमन पॉइंट है, तो वो कॉमन पॉइंट कभी भी निकालना हो तो क्या करो, दोनों कर्व्स को क्या कर दो सॉल्व, कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो ना, आपके पास दो कर्व्स हैं तीन कर्व्स हैं, क्या करो सॉल्व कर लो, यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आगे आप टर्म टू में भी
एरिया अंडर द कर्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, सो दैट्स ऑल। समझ आ गई? तो पहला काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो कैसे निकालनी। हाँ जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैं एक तरफ से एक्स निकालती हूं, ये एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर, मैं दूसरे में पुट कर रही हूं। जब मैंने पुट किया एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर दूसरे में, सेकंड में पुट कर दी वाई क्यूब के इक्वल, वाई की वैल्यू क्या आ गई के की पावर 1/3 आई कि नहीं, पता चल गया। अब मेरे पास किसी एक इक्वेशन में एक्स पुट वाई पुट कर दो, किसी में भी जिसमें आपका दिल करता, ऊपर वाले में पुट कर दो। तो मेरे पास जब मैंने पुट किया तो एक्स की वैल्यू के 1/3 पावर 2, तो के की वैल्यू 2/3। इसका मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट हमने ड्रॉ करने हैं या एंगल देखना है दोनों में, तो वो पॉइंट क्या आ गया, के की वैल्यू 2/3 के की पावर 1/3 आ गया पॉइंट। टेंशन खत्म, अब कुछ भी नहीं रह गया। अब मैंने कॉन्सेप्ट लगाना है, मैंने सब कुछ के में क्यों रखा, क्योंकि क्लियर कट उसने मुझे आंसर कहा 8k² = के में ही चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने पहले ही पॉइंट के में निकाल लो। अब इसकी स्लोप x = y² है, मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो 1 = 2y y', तो y डैश क्या हो गया 1/2y। बेटा मैंने y की वैल्यू क्या निकाली थी, के पावर 1/3 आ गई पहली स्लोप, इसको मैंने फर्स्ट मार्क कर दिया। सेकंड स्लोप, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल टू 0। तो डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स, ये सेकंड स्लोप आ गई, आई है ना। इसको एम टू लिख देते हैं, इसको एम वन लिख देते हैं। अब यहां पर वाई और एक्स की वैल्यू पुट करो मेरे पास। हाँ जी, ऊपर कर रही हूं बेटा, एम टू माइनस वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, के की पावर 1/3, और एक्स की वैल्यू के की पावर 2/3। इनको कंबाइन कर ले, पावर आपको पता है माइनस हो जाएगी, तो मेरे पास माइनस के की पावर कितनी हो गई, -1/3, यही निकला ना। अभी हमने रिजल्ट नहीं जो है वो कैलकुलेट किया, ये पॉइंट खत्म हो गए। अब हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। क्यों लिया, बिकॉज उसने कहा था दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री। दोनों कर्व्स मतलब दो टेंजेंट्स स्ट्रेट लाइंस हैं, तो वो इंटरसेक्ट करती है 90 पे, तो दैट मींस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एम वन 1/2 के पावर 1/3 इनटू एम टू माइनस के पावर 1/3 -1, ये माइनस माइनस कैंसिल। अब मैं इसको भी नीचे ले आऊं, ठीक है, तो 1/2 के की पावर 1/3 प्लस 1/3 कितनी हो गई, 2/3 = 1। के की पावर 1/3 ये थी -1/3, ये नीचे आ गया तो ये बन गई 2/3। इसको उधर ट्रांसपोज कर दें, 1 = 2k/2/3। ये क्यूब खत्म करने के लिए नीचे 3, मैं क्या करूं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दूं। जब मैंने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किया तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 1 = 8k². देखो यही प्रूफ करना, सबको समझ आया बेटा मैंने क्या किया। एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर टू यू, सिर्फ एक ही दिमाग में बात रखा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप करना है। क्यों करना है, क्योंकि टेंजेंट राइट एंगल पे, बाकी सारे क्वेश्चंस सेम है, कोई चेंज नहीं, ठीक है। ध्यान से करना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर डूइंग इन दिस टॉपिक, दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक। यही क्वेश्चन डिफरेंट था बाकियों में से, और बाकी हम अब कल मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस दैट टॉपिक, मैक्सिमम मिनिमम प्लीज बेटा डोंट मिस दैट टॉपिक, ओके।